हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ खेल तंत्रा। दोस्तों, बहुत जल्द जनवरी ट्रांसफर विंडो ओपन होने वाले हैं एंड नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट सम ऑफ द लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज फ्रॉम इंडियन सुपर लीग। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट मैच एफसी। नाउ क्लब के फैंस अपने बीच ब्राइट इनोबाखरे, फेरान कोरोमिनस जैसे नेम्स डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल गाइस नॉर्थ ईस्ट मैच एफसी के तरफ से कोई भी रिलायबल ट्रस्टेड सोर्स से अपडेट नहीं आया है। जी हाँ, जो फिलहाल अपडेट है उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट एफसी जनवरी में दो फॉरेनर को साइन करने वाले हैं। इनमें से एक अटैकिंग मिडफील्डर और दूसरा एक स्ट्राइकर हो सकते हैं। हालांकि गाइस, अभी फिलहाल इन दोनों प्लेयर्स के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। ऑल वी कैन डू इज वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू हैपन एंड वेल गाइस, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मूविंग अहेड टू अनदर न्यूज, दोस्तों निखिल प्रभु को ओडिशा एफसी ने एक लोन डील पर साइन कर लिया है। जी हाँ, ऑनगोइंग इंडियन सुपर लीग सीजन में 21 साल के निखिल प्रभु हैदराबाद एफसी के टीम में थे, लेकिन ओडिशा एफसी ने एक लोन डील पर इस डिफेंडर को अपने टीम में शामिल किया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि निखिल प्रभु के कॉन्ट्रैक्ट में एक परमानेंट ट्रांसफर डील के ऑप्शन भी है। तो ऐसे में गाइस, निखिल प्रभु अपकमिंग सीजन में ओडिशा एफसी के लिए कैसे पेश आएंगे वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। गाइस, अपडेट है खासा कमारा से। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है, कमारा इस वक्त अपने नेशनल टीम मोरितानिया के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस टूर्नामेंट के प्रिपरेशन के लिए मोरितानिया ने बुर्किना फासो के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेले थे जो कि एज ए गोललेस ड्रॉ समाप्त हुआ। अनफॉर्चुनेटली उस मैच के स्टार्टिंग 11 में खासा कमारा शामिल नहीं थे। हालांकि गाइस, खासा कमारा 4 जनवरी को होने वाले गाबोन के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेल सकते हैं। आयरोनिकली इस मैच में रोंडो मुसाबु किंग, जो बेंगलुरु एफसी के डिफेंडर है, वो गाबोन के टीम में मौजूद होंगे। तो गाइस, आईएसएल के ये दो प्लेयर्स को आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेलता हुआ देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। एक इंजरी के वजह से राफाल क्रिबेलरो आईएसएल की सीजन से ही बाहर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने फेडरिको गायगो के बारे में जाना था, लेकिन अब राफाल क्रिबेलरो भी इंजरी की वजह से एंटायर सीजन से ही बाहर होंगे एंड दिस इज अ बिग लॉस टू चेन्नई एफसी। अब ऐसे में गाइस, ये देखना पड़ेगा चेन्नई एफसी उनके जगह पर किसको साइन करते हैं, क्योंकि राफाल क्रिबेलरो जैसे एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट ढूंढना आसान नहीं होगा।